नमस्कार दोस्तों, आज मेरे पास एक मोर्फो की मशीन है, आप देख सकते हैं। और ये मोर्फो की जो मशीन है ये है E2, और इसने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया है और ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। और जब आप सिस्टम में इसको इंसर्ट करते हो तब ये बिल्कुल भी लाइट नहीं चल रही है इसमें, और कोई काम इससे नहीं हो पा रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसको सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या दिक्कत हो सकती है। और वैसे तो ये बहुत अच्छी मशीन है दोस्तों, ये ख़राब नहीं होती है, लेकिन काफ़ी बार वायर जो होते हैं वो इधर उधर हिलाने से या तोड़ने मरोड़ने से ख़राब हो जाते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप इसको खोलना चाहते हैं तो इसमें कहीं भी कोई भी स्क्रू नहीं दिया हुआ है। आपको भूल के भी इसमें ये रेपर जो इसकी जो सीरियल नंबर है ये नहीं उतारने हैं, ये ऐसे ही रखने हैं, और इसमें कहीं भी कोई स्क्रू नहीं है। तो इसको खोलने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप एक सिरिंज लीजिए, और सिरिंज लेने के बाद आप इसमें थोड़ा सा पेट्रोल डाल लीजिए। आप किसी भी तरह का अगर चार्जर खोलना चाहते हैं, लैपटॉप का चार्जर हो, चाहे मोबाइल का चार्जर हो, या फिर ऐसा कोई भी डिवाइस हो जिसमें कोई स्क्रू नहीं दिया हुआ हो और केवल सॉल्यूशन से अगर उसको चिपकाया गया है, तो आप उसको कैसे खोल सकते हैं ये आपको बता रहा हूँ मैं। आप एक सीरीज लीजिए, सीरीज में थोड़ा सा पेट्रोल ले सकते हैं, आप देख सकते हैं थोड़ा सा पेट्रोल इसके इसमें है, और मैंने अभी इसको खोल लिया है क्योंकि ये मैंने अभी वायर निकाला है इसका, और ये वायर इसका भी बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन इसको खोलना कैसे है, आप सीरीज लेके इसकी जो बीज की आप देख रहे हैं इसमें आपको थोड़ा थोड़ा पेट्रोल डालना है, सीरीज के माध्यम से थोड़ा थोड़ा पेट्रोल डालते जाइए, और इसका जो पूरा एरिया है इसमें आपको हर जगह थोड़ा थोड़ा पेट्रोल डालना है। पेट्रोल डालने के बाद दोस्तों आपको वेट करना है सिर्फ 1 मिनट तक। इसमें जितना भी सॉल्यूशन कंपनी ने लगाया है, किसी भी तरह का जो गम यूज़ किया है इसको चिपकाने के लिए, पेट्रोल उस गम को वहाँ से हटा देगा। उसके बाद आप इसको आराम से ओपन कर सकते हैं। तो आपको तरीका ये बता दिया मैंने, सीरीज लेनी है, इसमें से थोड़ा थोड़ा पेट्रोल आप इसमें थोड़ा थोड़ा डालते जाइए, और डालने के बाद आपको सिर्फ 1 मिनट तक, अगर आप नहीं चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 30 या 40 सेकंड तक आप इसको छोड़ सकते हैं। 1 मिनट मैं आपको प्रॉब्लली बताऊंगा कि 1 मिनट तक आप इसको छोड़िए। 1 मिनट छोड़ने के बाद आप थोड़ा सा जब जोर करेंगे, हल्का सा ताकत आप इस, जैसे आपके पास कोई भी डिवाइस हो, जैसे ये है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा सा जोर लगाएंगे यहाँ से तो ये आराम से इजीली ओपन हो जाएगी, जैसे आप देख सकते हैं इजीली ओपन हो जाएगी। होने के बाद ये जो डिवाइस है दोस्तों, इसके अंदर जो ये मैकेनिज्म फिट किया गया है, ये भी इसको भी चिपकाया गया है, आप देख सकते हैं इस पर सोल्यूशन लगा हुआ है, और यहाँ पे भी सोल्यूशन लगा के इसको परमानेंट चिपकाया गया है। तो आप इसको थोड़ा सा जब आप यहाँ से फोर्स करेंगे तो ये यहाँ से बाहर आ जाएगी। अब बाहर आने के बाद ये दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो केबल लगी हुई है वो इस प्रकार से इंस्टॉल की गई थी, इसमें केबल लगी हुई है, लेकिन दिक्कत ये है कि जब आप इसको वायर को इसको गौर से देखेंगे तो इसके तकरीबन 3 वायर हैं जो वो कट चुके हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, ध्यान रखने लायक चीज़ है, नेक्स्ट टाइम आप जब भी काम करेंगे तो आपको बिल्कुल ध्यान रहेगा। ब्लैक जो वायर है वो करंट के लिए है, इसमें 5 वोल्ट की सप्लाई निकलती है। ब्लैक जो वायर है वो ब्लैक वायर ग्राउंड के लिए है, और उसके बाद 2 वायर आप इसमें देख सकते हैं, जो व्हाइट वायर है ये क्लॉक के लिए है, और जो ग्रीन वायर है ये डाटा के लिए है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें फिलहाल हम जब देख रहे हैं तो इसके जो 2 वायर हैं वो बिल्कुल से कट गए हैं, आप इसको अलग कर सकते हैं, देखिएगा ये आराम से अलग हो गए। ठीक है, आप देख रहे हैं दोनों वायर अलग हैं, और ये जो इसका ग्रीन वायर है ये भी अलग हो रहा है, तो इसको भी हम एक बार, चलो ये तो नहीं है लेकिन फिर भी तोड़ लेते हैं इसको, क्योंकि ये बार बार दिक्कत करेगा कि तीनों वायर टूट गए हैं। अब दोस्तों जब आप वायर को वापस जोड़ेंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, वायर केवल आप 2 वायरों को मिला के और नहीं छोड़ना है आपको, नहीं तो ये दिक्कत करेगा। आपको इसके लिए परमानेंट सॉल्यूशन यूज़ करना है, इसके लिए आपको आयरन यूज़ करना है। आयरन से आप इसको सोल्ड करेंगे, और सोल्ड करने के बाद हल्की टेपिंग आप इस पर कर सकते हैं, अगर टेप नहीं करना चाहते तो जो ग्लू आती है वो ग्लू भी आप इस पर चिपका सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक